भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच की चुनावी चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा 2019 का जो चुनाव है वो नजदीक आ रहा है, तो बयानबाजी जो है वो जारी है। जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं की जो जवानी जंग है वो बहुत तेज होती जा रही है। एनसीपी के जो नेता हैं मस्जिद बेगन, वो रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जाहिल हैं और अनपढ़ हैं और राह चलते लोगों की तरह बात करते हैं। हुआ क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। बीजेपी ने विपक्ष पे महागठबंधन पर तीखा वार करते हुए तंज कसते हुए कहा कि कई नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जो हैं वो इस तरह की बातें कई बार विपक्ष को कह चुके हैं और तंज उनका कस चुके हैं। प्रधानमंत्री की लाइन में कई लोग खड़े हैं, इस लाइन से जो है वो एनसीपी के जो नेता है मस्जिद बेगन वो बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा है कि इसमें वो लाइन बढ़ गई है इस तरह का। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी एक अनपढ़ जाहिल या रास्ते पे चलने वाले लोग आदमी की तरह बात करते हैं। अरे, वो इतनी बड़ी पद पर बैठे हैं, उन्हें पता है कि उनका पद जो है वो एक सांविधानिक पद है और उस सांविधानिक पद में प्रधानमंत्री रास्ते में नहीं चुना जाता, ना तो 14 में ना 19 में। वो तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हर क्षेत्र से एक संसद सांसद को चुना जाएगा और ये 543 सांसद जब चुन के आएंगे तब वो तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन होता है। ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिस है। ये प्रधानमंत्री को नहीं पता, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री लाइन में खड़े क्या मतलब है? ये जाहिलों की सी बात है कि प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री की लाइन में आप भी नहीं खड़े हैं। आपको भी प्रधानमंत्री का पद तभी मिल सकेगा जिसके लिए आप हाथ पांव मार रहे हैं कि मेरे पास बहुमत हो, यानी मेरे पास सांसदों का बहुमत हो। जनता का बहुमत से तो ठीक है, जनता बहुमत से तो सांसद चुन के देगी, मगर उन सांसदों में जब तय होगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए जिसका सबसे बड़ा दल होगा, तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है प्रधानमंत्री का। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें प्रधानमंत्री के खुद अपने मुंह से निकलना मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर